खुशहाल है राजन, किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। मंत्री सरसेन सिंह राजन, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इससे निर्भर नहीं रहे। लेकिन मंत्री सरसेन सिंह, आज मैं तुमसे एक राज की बात आया करना चाहता हूँ। कौन सी सी बात ही राजन, जो आप मुझसे आया करना चाहते हैं? परसों मैं शंकर गढ़ गया था, और शंकर गढ़ में सम्राटों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में
कई देश के सम्राट इकट्ठा हुए थे। हमारे पड़ोसी देश पहाड़ का रियासत रहने वाला सम्राट विक्रम सिंह भी उस बैठक में आया था। लेकिन जिस वक्त सम्राट विक्रम सिंह उस बैठक में पहुंचा तो उसका बहुत बड़ा मान सम्मान हुआ, उसकी बहुत बड़ी सराहना हुई और उसका मान सम्मान देख करके हमारा सर शर्म से झुक गया और मैं लज्जित होकर के वापस चला आया। शमशेर से कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जिससे कि ये पहाड़गढ़ की रियासत हमारे रामगढ़ की रियासत में मिल जाए और हमारी ये रामगढ़ की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत से बदल जाए। इसके लिए कोई तरकीब निकालो। समर्थन की पहाड़गढ़ की रियासत अगर रामगढ़ रियासत में मिल जाए तो रामगढ़ की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत हो जाए और फिर आप किस बैठक पे जाए तो सरेना हो तो सिर्फ आपका हो। महाराज इसके लिए उपाय है। आज ही हम सम्राट विक्रम सिंह के नाम एक मनमन तैयार करता हूँ, शिवाय चाव का प्यार गलम डाल लेकर आओ। बस कर दो बैठ। रियासत रामगढ़ बच्चों आपको मालूम होगी आप अपनी पहाड़गढ़ की रियासत हमारे रामगढ़ रियासत में मिला दे। अगर ये मिलाने से इनकार किया तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। इतना ही नहीं चंगे मैदान में जंग करना होगा। सम्राट पदम सिंह रियासत रामगढ़। शिवाय इस खत को संभालो और इसे लेकर तुम्हें पहाड़गढ़ सम्राट विक्रम सिंह के यहाँ जाना है और विक्रम सिंह से कहना है कि अपनी पहाड़गढ़ की रियासत हमारे रामगढ़ रियासत में मिला दो। अगर से मिलाने से इनकार किया तो बहुत बड़ा खून खराबा भी होगा और इतना ही नहीं जंगे मैदान भी जंग करना होगा। क्या विषय तम रियासत पहाड़गढ़ आप मुझे हुक्म दें और मैं पहाड़गढ़ के लिए रवाना हो जाऊं। सिपाही तुम जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें शांति संसेल से राजन अपना भेजा हुआ दूत ये पहाड़गढ़ रियासत गया है। क्यों नहीं राजन? हाँ चलो हम चलते हैं और दूत के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं राजन? चलिए देखिए कि हमारा दूत कौन सा पैगाम लेकर के आता है। आओ हमारे साथ। चलिए राजन।